जय हिंद दोस्तों। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे चैप्टर टू, जो हमारी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है उसका। तो अब इसमें देखेंगे हम 1950 से लेकर के 1990 के बीच में क्या हुआ था। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें क्या सीखने को मिलेगा, हम यहाँ जान जाएंगे कि क्या गोल्स थे इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के बारे में। फिर हम देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट पॉलिसीज देखने को मिलती है डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में 1950 से 1990 के बीच में। फिर ये सीख जाएंगे कि क्या मेरिट्स और लिमिटेशंस होती है कि रेगुलेटेड इकोनॉमी की। अब फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का इन इंडिया का, अब यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव था ना कि किस तरीके से प्लानिंग करेंगे इंडिया के अंदर में, इस ये इनिशिएट करना चाहते थे डेवलपमेंट का प्रोसेस, जिससे क्या होगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है और वो हमारे लोगों के बढ़ेंगे, हमारे लोगों के सको और क्या है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी फॉर ए रिचर एंड अ मोर वेरिड लाइफ। अब जैसे रिच जीते थे और एक वेरी करते थे लाइफ, उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता था, वहाँ पर वो हमको देखने को मिलेगा। तो अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। 15 अगस्त 1947, अब यहाँ पर क्या होता, हमको आज़ादी मिल जाती है, यानी कि अब क्या है हम अपनी डेस्टिनी के खुद ही मास्टर हो गए होते हैं इस टाइम पर, है ना। अब क्या है कि 2 साल यानी कि जो 200 साल का ब्रिटिश रूल था वो यहाँ पर अब ख़त्म हो जाता है। अब जो जैसे कि जो जॉब देनी है, नेशन बिल्डिंग करना है, अब वो क्या है कि इंडियंस के हाथ में था। अब जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, अब वो डिसाइड करेंगे किस तरीके से क्या इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए जो सूटेबल करेगा हमारे देश को, या फिर आ सिस्टम जो मतलब वो प्रमोट करेगा वेलफेयर, जितना मतलब सबका वेलफेयर करेगा, ना कि कुछ ही लोगों का वेलफेयर। अब यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के जो है इकोनॉमिक सिस्टम से प्रेजेंट है, जैसे कि एक सोशलिज्म हो गया और एक कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर क्या है कि 2 टाइप्स के हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहला तो हो गया सोशलिज्म के बारे में देखेंगे, दूसरा हो गया कैपिटलिज्म के बारे में। अब यहाँ पर क्या है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो सोशलिज्म को प्रेफर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सोशलिज्म के साथ में जैसे कि कैपिटलिज्म है उसको भी प्रेफर कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के उससे। अब यहाँ पर क्या है कि जो सोवियत यूनियन है ना, हमने इनसे जो है ये प्लानिंग सिस्टम अडॉप्ट करा, यानी कि USSR से हमने वहाँ से लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जैसे जो हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया, उसको यहाँ पर क्या है कि अगर हम क्या है खाली सोशलिज्म करें तो सोशलिज्म से क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप है ना, अगर वो सरकार उसको ओन करेगी तो वो इंडिया की डेमोक्रेसी को देखते हुए क्या है कि वो यहाँ पर फॉलो नहीं करा जा सकता था यहाँ पर इंडिया के अंदर में। तो अब यहाँ क्या है जो नेहरू जी के साथ में और जो दूसरे लीडर्स थे या फिर थिंकर्स थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव रखा कि एक्सट्रीम वर्जन यानी कि जो कैपिटलिज्म है, और अब इन दोनों को सोचा कि एक काम ना करते हैं हम कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को दोनों को मिक्स करके एक नया सिस्टम बनाते हैं। तो जिसकी वजह से इन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लेकर के आए कि इसमें सोशलिज्म के भी फीचर रहेंगे और कैपिटलिज्म के भी फीचर्स रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने कंबाइन कर दिया सोशलिज्म को, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक्स के साथ में। अब इस व्यू के साथ में इंडिया वुड बी आ, अब क्या होगा कि इंडिया जो है सोशलिस्ट सोसाइटी भी बना रहेगा। इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग रहेगा पब्लिक सेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी और उसमें डेमोक्रेसी भी रहेगी। अब इस बॉक्स को देखेंगे। अब यहाँ पर ये कुछ बॉक्स कह रहा है कि प्रिपेयर करो चार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स जो मतलब वर्ल्ड के अंदर में अवेलेबल है, और लिस्ट आउट करो उन कंट्रीज़ का नाम लिखो जो कैपिटलिस्ट है सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है एक तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो मेनली क्या है कि हमारे पास यहाँ पर 2 ही है, सोशलिज्म हो गया और एक कैपिटलिज्म हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी सोसाइटी होती है ना, उसको कम से कम ये 3 क्वेश्चंस के जो है आंसर देने चाहिए होते हैं कि क्या गुड्स या फिर सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेंगे कंट्री के अंदर में। अब किस तरीके से मतलब हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, यानी कि वो किस तरीके से वो प्रोड्यूस करे जाने चाहिए। शुड प्रोड्यूसर्स आर मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ह्यूमन लेबर के ऊपर डिपेंड करें या फिर मशीन्स के ऊपर डिपेंड करें उनको प्रोड्यूस करने के लिए। हाउ शुड द, अब यानी कि जो हमने गुड्स ये बना लिए इनको किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये आता पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से हमको प्रोड्यूस करना है, फिर कैसे प्रोड्यूस करना है, फिर उसको किस तरीके से जो है हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक आंसर जो है इन क्वेश्चन का वो डिपेंड करता है कि भैया मार्केट फोर्सेस, यानी कि सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर जो है हम इसको छोड़ देते हैं कि जो मार्केट बोलेगी हम उसको करेंगे, यानी कि जितनी सप्लाई चाहिए मतलब जितनी डिमांड होगी उतनी ही मार्केट में सप्लाई भेजेंगे। तो एक तो तरीका है ये इन ए मार्केट इकोनॉमी, इसको क्या है कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ओनली यानी कि वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होंगे जो खाली डिमांड में होंगे, जैसे कि गुड्स दैट कैन बी सोल्ड, यानी कि जो अगर प्रॉफिटेबली इधर इन द डोमेस्टिक और इन द मार्केट
तो यहाँ पर बोल रहे कि जैसे ही अगर कोई भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, अगर उसको प्रॉफिटेबली हम उसको बेच पा रहे हैं, तो क्या है कि हम या डोमेस्टिक कंट्री में या फिर फॉरेन मार्केट्स में, अब कह रहे हैं कि जैसे कि एग्जांपल दिया इन्होंने कार्स का, अगर भैया गाड़ियाँ डिमांड्स में हैं तो गाड़ियों को प्रोड्यूस करा जाएगा, अगर बाईसाइकिल से डिमांड में है तो मतलब उनकी डिमांड है तो उसको प्रोड्यूस कराया जाएगा, अगर हमारे पास लेबर जो है बहुत चीप है अवेलेबल है तो हमको क्या है कि लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन को उसको यूज़ करना होगा या इसके उलट। अब क्या है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो गुड्स प्रोड्यूस्ड होते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पीपल्स में, खाली खाली इस बेसिस पर नहीं कि जो पीपल को नीड है, बल्कि इस बेसिस पर होते हैं उनकी परचेजिंग पावर के बेसिस पर। ये कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है, यानी कि एबिलिटी टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, दैट इज़ वन हैज़ टू हैव द, यानी कि जितनी भी पैसा उनकी पॉकेट में है वो बाई करने के लिए। अब यानी कि अब लेकिन अब यहाँ पर क्या कि जैसे लो कॉस्ट हाउसिंग है, अब जैसे कि गरीबों को चाहिए, उनको घर चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको काउंट करेंगे डिमांड के अंदर में मार्केट सेंस में, बिकॉज क्योंकि अगर घर तो बना नहीं सकते क्योंकि जो पुअर लोग यानी कि गरीब लोग हैं ना, उनके पास भैया परचेजिंग पावर नहीं है ताकि जो है वो इसको मतलब अफोर्ड कर सके या फिर वो इस डिमांड को जो है पूरी कर सके। एज अ रिजल्ट ये जो कमोडिटी है ना, दिस कमोडिटी, इसको जो है प्रोड्यूस नहीं करा जाएगा और ना ही इसको सप्लाई करा जाएगा मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर। अब ऐसी सोसाइटी, अब क्या है कि ये जो कैपिटलिज्म था वो इस तरीके से वर्क करता था, लेकिन ऐसी सोसाइटी जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वो भैया मंजूर नहीं थी, क्योंकि जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनका ये मतलब था कि जो ग्रेट यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है ना इंडिया के अंदर में रहते हैं भैया, उनको क्या है कि उनकी जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करे बिना जो है हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब दूसरा आता है हमारा कंसेप्ट इसमें सोशलिस्टिक सोसाइटी। अब इसमें क्या होगा कि अब ये इन तीन क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से देता है, मतलब डिफरेंट तरीके से देता है। तो सोशलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड्स करती है क्या गुड्स को जो है भैया प्रोड्यूस करना है ना सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अज्यूम करा जाता है जो गवर्नमेंट है ना वो जानती है क्या मतलब अच्छा है लोगों के लिए और उसकी कंट्री के लिए, और यानी कि एंड सो द डिज़ायर्स ऑफ, और मतलब जो इंडिविजुअल की डिज़ायर है, उसकी खुद की जो डिमांड है, इसमें क्या है कि उसको प्रीफ्रेंस नहीं देते हैं सोशलिस्टिक सोसाइटी में। अब गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कितना गुड्स जो है प्रोड्यूस होगा और मतलब हाउ दे शुड बी और वो कितना जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन प्रिंसिपल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना सोशलिज्म के अंदर में, वो ये सपोज करा जाता है कि ये मतलब इसके बेसिस पर है कि क्या लोगों को ज़रूरत है, और यानी कि लोगों की ज़रूरत के बेसिस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, उनकी परचेजिंग पावर के बेसिस पर जो है यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कैपिटलिज्म में इसका ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक सोशलिस्ट नेशन क्या करता है कि वो प्रोवाइड करता है फ्री हेल्थ केयर, है ना, जितने भी उसके सिटीजन्स होते हैं। अब स्ट्रिक्टली बात करें जो सोशलिस्ट सोसाइटी है ना, उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें होती है भैया ओन करती है स्टेट। अब जैसे कि क्यूबा हो गया, चाइना हो गया फॉर एग्जांपल, मतलब इनमें जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना वो गवर्न होती है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पर। अब यहाँ पर क्या है कि थर्ड कंसेप्ट आता है कि मिक्स्ड इकोनॉमीज़। अब जो मोस्ट इकोनॉमीज़ है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ है, यानी कि जो गवर्नमेंट है या और जो मार्केट है, यहाँ पर अब जैसे गवर्नमेंट आती है सोशलिज्म में, मार्केट आती है कैपिटलिज्म में। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों मिलके आंसर करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस का कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा और कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा जो हमने प्रोड्यूस कराया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, जो मार्केट है ना वो प्रोवाइड करती है कि कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज वो मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है भैया वो प्रोवाइड करती है एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, यानी कि जब अगर मार्केट अगर फेल्स कर जाए वो डिमांड एंड सप्लाई को पूरी करने के लिए। फिर दूसरा टॉपिक आता है हमारा, व्हाट इज़ प्लान, प्लान क्या होता है। तो प्लान क्या होता है, ये स्पेल्स आउट यानी कि हमको बताता है कि किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं नेशन के वो हमको किस तरीके से यूज़ करने चाहिए, है ना। इट शुड हैव सम, अब इसके कुछ जनरल गोल्स होते हैं और यानी कि कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमको अचीव्ड करने होते हैं स्पेसिफाइड यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर में। इन इंडिया के अंदर क्या है कि ये प्लान्स जो है भैया 5 ईयर्स के होते थे, यानी कि 5 साल के होते थे, जिनको हम 5 ईयर प्लान्स बोलते थे। हमने इसको जो है बोरो करा था सोवियत यूनियन से। अब जो पायनियर यानी कि जनक माना जाता है नेशनल प्लानिंग का यानी कि USSR, हमारे जो प्लान्स थे ना वो 2017 तक के थे, यानी कि 2012 से लेकर के वो 2017 में क्या है ये लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा चलता है। नॉट ओनली स्पेसिफाई दी ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड इन द 5 ईयर ऑफ अ प्लान बट ऑल्सो वॉट इज़ टू बी। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो प्लान होते थे खाली हमको ये नहीं बताते कि हमको क्या ऑब्जेक्टिव है इन 5 ईयर प्लान्स का, बल्कि हमको ये भी बताते थे कि हमको क्या अचीव करना है आने वाले 20 सालों के अंदर में।
ये जो लॉन्ग टर्म का प्लान होता था इसको बोला जाता था पर्सपेक्टिव प्लान, जो 5 ईयर प्लान से ना इसको ये सपोज करा जाता था, ये प्रोवाइड करेगा हमको बेसिस, यानी कि एक बेस देगा जो भी पर्सपेक्टिव प्लान है उसका, यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान्स का। अब यहाँ पर क्या कि इट विल बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट, अब क्या कि ये बड़ा अनरियलिस्टिक होगा कि अगर हम ये एक्सपेक्ट कर ले कि जितने भी गोल्स है प्लान के हमको क्या है कि इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए सारे प्लान्स के अंदर में, ये बहुत गलत है। हम क्या है कि सबको इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, तो भैया हम इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। इनफैक्ट अब क्या है कि जो गोल्स में एक्चुअल, अब क्या है कि जो गोल्स हो सकता है कि भैया ये कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा गोल है इंट्रोड्यूस करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, अब क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है कि अगर हम इंक्रीज़ करें एम्प्लॉयमेंट, अगर टेक्नोलॉजी रिड्यूस कर देगी हमारे पास, अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो जो लेबर है उसका हमको कम यूज़ करने को मिलेगा। अब क्या है कि जो प्लानर्स है उनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा अपने गोल को, ये क्या है एक बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। अब क्या है कि वी फाइंड डिफरेंट गोल्स, हम फाइंड करते हैं डिफरेंट गोल्स जो मतलब एम्फेसाइज करे गए थे डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया के अंदर में। इंडिया का जो 5 ईयर प्लान है ना वो ये नहीं कहता कि हाउ मच, यानी कि कितना जो है ईच और एवरी गुड एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, यानी कि किस किस को कितना क्या प्रोड्यूस करना है, दिस इज़ नीदर, ये तो भैया ना तो पॉसिबल है और ना ही ये ज़रूरी है। जो फॉर्मर यानी कि जो पहले सोवियत यूनियन है उसने इस तरीके का ट्राई करा था लेकिन जो है वो फेल्ड कर गई थी। इट इज़ इनफ, ये भैया बहुत है कि अगर प्लान अगर एक स्पेसिफिक है अबाउट द सेक्टर, यानी कि एक स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में कुछ बताता है जो प्ले करता है कमांडिंग रोल, है ना, फॉर इंस्टांस जैसे कि पावर जनरेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, और यानी कि ये क्या है इसमें तो हम सरकार के ऊपर छोड़ सकते हैं लेकिन जो अदर पार्ट्स बचता ना वो हम मार्केट के उस पर छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना अगर उसको इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना है तो क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी एनकरेज करना चाहिए वो पार्टिसिपेट करे इस प्लानिंग एफर्ट में। अब क्या है कि जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन यानी कि जो IPR था 1948 का और उसके बाद में क्या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे वो रिफ्लेक्टेड करते हैं इसके अंदर में। 1950 में क्या होता है जो प्लानिंग कमीशन है ना वो बनाई जाती है, इसमें क्या होता है जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। अब क्या होता है जो एरा होता है 5 ईयर प्लान्स का यहाँ से अब जो भैया स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्या था कि द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स, तो अब यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है, क्या गोल्स होते हैं हमारे 5 ईयर प्लान्स के। अब यहाँ पर क्या है जो प्लान होता है ना वो शुड हैव यानी कि सम क्लियरली स्पेसिफिक गोल्स, इस प्लान्स के क्या है स्पेसिफिक गोल्स पहले ही बता दिए जाते हैं जो गोल्स होते हैं 5 ईयर प्लान्स के। अगर यहाँ पर क्या है कि मेनली 4 गोल्स होते हैं हमारे, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पहला हो गया ग्रोथ, हमारा ग्रोथ हो गया, फिर मॉडर्नाइजेशन हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, इक्विटी हो गया। तो इसको आप ऐसे याद करना कि भैया हमको जो भी प्लानिंग करनी है ना उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, हमको चीज़ों को मॉडर्नाइज भी करना है, सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भी बनाना है, फॉरेन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना, इक्विटी यानी कि जैसे मैन और वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है या फिर इनइक्वलिटी है इसको क्या कि इक्वल लेके आना है, यानी कि मेजर 4 गोल थे। दिस डज नॉट मीन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी हमारे प्लान्स हैं ना हमने सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दे दी गई है इन गोल्स के अंदर में। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी और जो चॉइस थी यानी कि जो हमने बनाई गई थी ईच प्लान में अबाउट विच ऑफ द गोल्स, यानी कि किस प्लान को जो है भैया प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। नेवरलेस अब जो प्लानर्स थे उनको इंश्योर करना था कि एज़ फार एज पॉसिबल यानी कि जो भी पॉलिसीज है प्लान्स की वो भैया कॉन्ट्राडिक्ट ना करें इन 4 गोल्स में, यानी कि हमने कोई ये जो 4 गोल्स है ना अब क्या है कि इस तरीके से पॉलिसी बनानी है, कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। अब क्या है कि हम जरा लर्न करेंगे इसमें कैसे जो गोल्स थे प्लानिंग के कुछ डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ग्रोथ, तो हमारा इसमें आता है ग्रोथ, ये रेफर्स करता है कि हमको क्या करना है इसमें इंक्रीज़ करनी है कंट्री की कैपेसिटी ताकि वो प्रोड्यूस कर सके जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज में देश के अंदर कंट्री के अंदर में, ये इम्प्लाइज करता है या तो हम क्या करें लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, हम क्या है प्रोडक्टिव कैपिटल को ज़्यादा यूज़ करें यानी कि लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग करें सर्विसेज जैसे कि ट्रांसपोर्ट की हो गई या फिर बैंकिंग की, या फिर हम कर दें इंक्रीज़ करें हमारी एफिशिएंसी जो भी हमारी प्रोडक्टिव यानी कि कैपिटल और सर्विसेज है इसको। अब जो गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर हम बात करें इज द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करें वो होती है GDP, है ना। अब क्या है जो GDP होती है ये क्या होती है मार्केट वैल्यू होती है जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं हमारे कंट्री के अंदर में एक साल के अंदर में, वो GDP बोला जाता है। यू कैन थिंक ऑफ द GDP। अब क्या है कि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जांपल दे रखा है जैसे केक है, अब उसकी क्या है कि केक है और ग्रोथ भैया बहुत ग्रोथ इज़ द इंक्रीज, यानी कि अगर सपोज करो ये हमारे पास केक है और इसका ये क्या है कि ये उसके ऊपर वाला पार्ट है, अगर जितना ज़्यादा केक का साइज़ बढ़ेगा
यानी कि साइज़ इंक्रीज होगा केक का, तो केक जो है केक भी बढ़ेगा और मोर पीपल यानी कि ज़्यादा पीपल जो है उसको इन्जॉय कर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रोड्यूस करें ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज ताकि जो पीपल है इंडिया के वो इन्जॉय कर सके। यानी कि ये क्या है कि ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में था, आ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ। अब जो GDP होती है ना कंट्री की, वो अब क्या है कि वो ड्राइव करी जाती है यानी कि निकाली जाती है जितने हमारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया और हमारा सर्विस सेक्टर हो गया। तो यहाँ से ऐसे याद करना GDP जो है वो 3 तरीके से यानी कि ये सेक्टर्स है। अब क्या है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी कि ये ईच सेक्टर दे रहे हैं तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन यानी कि इकोनॉमी में हमारी तरीके से, यानी कि ये 3 स्ट्रक्चर है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी में हो गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में हो गया हमारा इंडस्ट्रीज हो गया और टर्शियरी में हमारा सर्विस हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर है हमारे GDP का, तो इसी को क्या है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बोलता है इकोनॉमी में। अब क्या है कि इन सम कंट्रीज़ यानी कि बहुत सी कंट्रीज़ में देखा जाता है कि अगर ग्रोथ हो रही है, एग्री ग्रोथ देखी जा रही है एग्रीकल्चर में, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP की ग्रोथ में। लेकिन यहाँ पर क्या है कि किसी कंट्रीज़ में देखा जा रहा है अगर सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो उस तब भी उसकी GDP में ग्रोथ हो रही है। अब क्या है कि हमारा पहला जो ग्रोथ वाला था ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं महालनोबिस के बारे में, जो आर्किटेक्ट बोला जाता है इंडियन प्लानिंग के बारे में। तो अब यहाँ पर क्या है, जो भैया मैनी डिस्टिंग्विश्ड थिंकर्स कॉन्ट्रीब्यूट, अब क्या है कि बहुत सारे जो थिंकर्स थे ना वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारा, हमने जो फॉर्मुलेशन करा था यानी कि ये बनाया था इंडिया का 5 ईयर प्लान्स, उनमें से एक नाम आता है जो हमारे स्टेटिस्टिशियंस है जिनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अब क्या है कि प्लानिंग इन द रियल सेंस, अब यहाँ पर क्या है कि प्लानिंग जो है ना वो असली में वो हमारी स्टार्ट होती है वो हमारे 2nd 5 ईयर प्लान से। जो 2nd प्लान है ना वो लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन होता है कि ये डेवलपमेंट करता है। प्लानिंग इन जनरल ये बेसिक आइडियाज़ रखता है यानी कि वो बताता है कि किस तरीके से जो गोल्स हैं इंडियन प्लानिंग के होने चाहिए। ये जो प्लान था वो बेस्ड था महालनोबिस के आइडियाज़ के नाम से, इन दैट सेंस ही कैन बी, अब क्या है कि इसी सेंस में क्या है कि हम रिगार्ड करते हैं कि इनको माना जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। अब महालनोबिस का जो जन्म होता है 1893 में होता है कैलकाटा में। अब यहाँ पर ये एजुकेटेड यानी कि वो पढ़ते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कैलकाटा में होता है, यहाँ से फिर उसके बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं इंग्लैंड में। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था टू द, अब क्या है कि ये जो स्टेटिस्टिक्स है ना इनका कॉन्ट्रीब्यूशन स्टेटिस्टिक्स में था जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल फेम मिलती है। 1945 में यहाँ पर क्या है कि ये मतलब मेंबर बन जाते हैं जो ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी होती है इसके, यहाँ पर क्या है कि ये जो पोजीशन होती है ना बहुत ही प्रेस्टिजियस, मतलब प्रेस्टिजियस पोजीशन होती है ये साइंटिस्टों की वो होती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट होते हैं ना वो भैया वो मेंबर बनाते हैं इस सोसाइटी के। अब महालनोबिस ने क्या करा है, इस्टेब्लिश करा था ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में करा था, और इन्होंने क्या करा था एक जर्नल अपना खुद का स्टार्ट करा था जिसका नाम था संख्या। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कभी पेपर में आया जा सकता है, पूछ सकते हैं कि ये जो संख्या ये जर्नल है ये किसका है, तो याद रखना ये महालनोबिस का है। अब यहाँ पर क्या है कि आज की डेट में भी ये मतलब एज अ मतलब उनको क्या है कि एक रेस्पेक्टेड फोरम यानी कि स्टेटिस्टिक्स, अब यहाँ पर क्या है कि इसको ये जो फोरम है ना इसको एक बहुत ही रेस्पेक्ट की उससे देखा जाता है यानी कि स्टेटिस्टिशियंस के द्वारा वो यहाँ पर अपना आइडिया डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि जो ISI और संख्या यानी कि ये हमारा स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और संख्या है ना ये हाईली रिगार्डेड करा जाता है मतलब स्टेटिस्टिशियंस के द्वारा और इकोनॉमिस्ट के द्वारा ऑल ओवर द वर्ल्ड आज की डेट में भी। अब क्या है कि जो 2nd प्लान था ना पीरियड यानी कि जो महालनोबिस क्या करते हैं वो इन्वाइट करते हैं बहुत सारे जितने भी मतलब वेल इकोनॉमिस्ट होते हैं उनको इंडिया से अब्रोड से बुलाते हैं ताकि वो एडवाइस कर सके इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब जैसे कि कुछ जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना इनमें से ये भैया आगे जाके नोबल प्राइज़ विनर्स बन जाते हैं, जो ये दिखाता है कि हाँ मतलब ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद टैलेंट। अब क्या कि इकोनॉमिस्ट जो है इन्वाइटेड करे गए थे महालनोबिस के द्वारा वर दो जन के ये बोते हु आर वेरी क्रिटिकल। अब क्या कि ये भैया सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, तो इन अदरवर्ड्स ये मतलब ये चाहते थे कि जो भैया उनकी बात सुने जो इनके क्रिटिक्स मतलब कहना चाहते हैं यानी कि द मार्क ऑफ अ ग्रेट स्कॉलर। अब जो मैनी इकोनॉमिस्ट है टुडे मतलब जो आज के जो इकोनॉमिस्ट है ना भैया वो रिजेक्ट करते हैं जो अप्रोच रखी गई थी उस टाइम पर जो प्लानिंग फॉर्मुलेट करी गई थी महालनोबिस के द्वारा। लेकिन ये क्या है कि ये हमेशा जो है याद करे जाएंगे कि जो प्लानिंग यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो उसने इंडिया को एक रोड पर रखा था इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। और स्टैटिस्टिशियंस भैया कंटिन्यू टू प्रॉफिट, अब जो स्टैटिस्टिशियंस है ना वो भैया प्रॉफिट उठाएंगे जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करा था स्टैटिस्टिकल थ्योरी में। अब द सर्विस सेक्टर यहाँ पर आता है,
अब क्या है कि अगर कोई कंट्री डेवलप करती है उसमें क्या होता है, तो भैया स्ट्रक्चरल चेंज होने जरूरी होते हैं, यानी कि जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में इन द केस ऑफ इंडिया जो स्ट्रक्चरल चेंज था वो भैया स्पेक्युलर बहुत जरूरी था कि इंडिया के अंदर में स्ट्रक्चरल चेंज आए यूजुअली विद डेवलपमेंट। अब क्या है कि जो शेयर था ना एग्रीकल्चर का वो डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे, लेकिन और जो शेयर था इंडस्ट्री का वो डोमिनेंट होने लगा एट हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। हायर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें जो सर्विस सेक्टर है कंट्रीब्यूट्स करता है मोर टू द जीडीपी देन द अदर सेक्टर। अब क्या है जो सर्विस सेक्टर था अब ये दोनों अब ये क्या है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा था अगर हम इंडस्ट्री की और एग्रीकल्चर की दोनों की बात एक साथ करते हैं तो। इंडिया के अंदर में क्या था जो शेयर था ना एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर में वो मोर देन अब क्या है कि वो भैया 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कर रहा था। अब क्या है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पुअर कंट्री के लिए, लेकिन 1990 आते आते क्या हुआ जो सर्विस सेक्टर था अब ये 40.59% का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब ये क्या है मोर देन दैट ऑफ यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। लाइक व्हाट वी फाइंड इन अब जैसे हमने डेवलपिंग नेशन में देखा ये जो फेनोमेना आया ना कि ग्रोइंग शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर ये एक्सेलरेट हो जाता है जब हमने 1991 के बाद में जो हमने रिफॉर्म्स लिए थे उस वाले पीरियड में। अब यहाँ पर क्या आता है 1991 के बाद में जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स लिए लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारा सेकंड आ जाता है हमने यहाँ पर देखा अभी ग्रोथ, अब सेकंड आ जाता है मॉडर्नाइजेशन। अब क्या है कि हमको इंक्रीज़ करनी है प्रोडक्शन जो भी हमारे गुड्स और सर्विसेज है ना। अब क्या है कि द प्रोड्यूसर अब जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको अडॉप्ट करनी होगी नई टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जो फार्मर है वो इंक्रीज़ करेगा अपना आउटपुट ऑन द फार्म यानी कि अपने फार्म पर अपना आउटपुट बढ़ाएगा यानी कि वो यूज़ करेगा नई सीड वैरायटीज़ हो गई। अब क्या है कि उन नई सीड वैरायटीज़ का यूज़ करेगा जो पहले यूज़ करता था उसको त्याग देगा। सिमिलरली अब जो फैक्ट्री जो है भैया इंक्रीज़ करेगी आउटपुट बाई वो यूज़ करेगा नए टाइप ऑफ मशीन्स को है ना अडॉप्ट करेगा नई टेक्नोलॉजी, इसको बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन। हाउएवर जो मॉडर्नाइजेशन है डज नॉट रेफर यानी कि मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं कि खाली हम यूज़ करें नई टेक्नोलॉजी बट लेकिन हमको क्या होता है चेंजेस करने होते हैं अपने सोशल आउटलुक में, जैसे कि हमको रिकॉग्नाइज करना होगा वुमेन्स जो है भैया उनको भी सेम राइट्स दिया जाए जैसे मेंस को दिया जाता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि वुमेन्स को भैया सपोज करा जाता कि वो भैया घर के अंदर ही रहेगी और जो आदमी है वही काम करेंगे। मॉडर्न सोसाइटी क्या है कि वो भैया उनका टैलेंट यूज़ कर रहा है वुमेन्स का वर्क प्लेस में जैसे बैंक्स हो गए फैक्ट्रीज हो गए स्कूल्स हो गए यहाँ पर एंड सच आ सोसाइटी। अब मोस्ट ओकेजन अब क्या है कि अगर ऐसी सोसाइटी क्या है कि वो भैया बहुत प्रॉस्परस मानी जाती है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा सेल्फ रिलायंस। अब क्या है कि जो नेशन कैन प्रमोट अब भैया कोई भी अगर देश है वो प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन वो अगर अपनी ही ओन रिसोर्सेज खुद की ही अगर यूज़ करेगा है ना। अब क्या है कि अगर वो इंपोर्ट ना करे किसी दूसरे नेशन से। अब जो फर्स्ट 7 यानी कि जो हमारे 1950 से लेकर के 1991 का पीरियड था ना आप इस तरीके से याद रखना इसके बीच में 7 5-year plan हमारे पास आए थे। जो पहले 7 5-year plans थे भैया इंपॉर्टेंस देते हैं कि हम जो है सेल्फ रिलायंस बनेंगे आत्मनिर्भर बनेंगे यानी कि हम अवॉइड करेंगे इम्पोर्ट यानी कि उन गुड्स का जो भैया हमको मतलब जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया के अंदर खुद ही। अब ये जो पॉलिसी थी इसको कंसीडर मतलब करा जा रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम रिड्यूस कर सकें अपना डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज़ पर स्पेशली फूड के ऊपर। ये अंडरस्टैंडेबल था कि जैसे कि पीपल हु अभी क्या है कि जो हम क्या है रिसेंटली फ्री हुए हैं फॉरेन डोमिनेशन से अब क्या है कि हमको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए सेल्फ रिलायंस पर। अब यहाँ पर ये फियर यानी कि डर था मन में कि कहीं ये हम डिपेंडेंस ना हो जाए इंपोर्टेड फूड सप्लाईज के ऊपर फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर और जो फॉरेन कैपिटल है उनके ऊपर। अब इससे क्या होगा कि ये इंडिया की सॉवरेनिटी क्या है वल्नरेबल हो जाएगी फॉरेन इंटरफेरेंस बाहर की पॉलिसी यानी कि बाहर के जो फॉरेनर्स है वो इंटरफेयर करेंगे हमारे इंडिया के अंदर में। फिर फोर्थ आता है इक्विटी की। अब यहाँ पर क्या है कि अब जो ग्रोथ है मॉडर्नाइजेशन है और सेल्फ रिलायंस है बाई देमसेल्फ अब क्या है कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या मे नॉट इम्प्रूव दी। अब क्या है कि ये इम्प्रूव नहीं कर सकती मतलब जो लाइफ हम जी रहे थे जो पीपल यहाँ पर जी रहे थे। अ कंट्री कैन हैव हाई ग्रोथ कंट्री की हाई ग्रोथ हो सकती है द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इन द कंट्री इट्सेल्फ अगर वो मतलब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले अपने देश के अंदर खुद ही। और यहाँ पर क्या है कि ऑल्सो हैव मोस्ट ऑफ इट्स पीपल लिविंग इन पॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या है कि अगर उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर गरीबी में खुद ही देश में रह रहे हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंश्योर करें जो बेनिफिट्स आ रहे हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से वो भैया रीच यानी कि पहुँचे
जो हमारे पुअर सेक्शन है यानी कि एज वेल इंस्टीड या सारे जो हमारे गरीब लोग हैं उन तक भी पहुँचे, ना कि खाली जो हमारे रिच है वही उसको इन्जॉय करे। सो इन एडिशन अगर हम ऐड करें कि जैसे ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया और सेल्फ रिलायंस हो गया, जो इक्विटी यानी कि इक्वलिटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी इंडियन शुड बी एबल, हमारे पास जितने भी इंडियंस हैं ना वो इस लायक होगी ताकि जो वो मीट यानी कि पूरी कर सके अपनी खुद की जो बेसिक नीड्स है, जैसे कि फूड हो गया, एक अच्छा घर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अब क्या है कि जो हमको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है वेल्थ के अंदर में, हमको क्या है इसको रिड्यूस करना चाहिए। लेट अस नाउ सी, अब हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से फर्स्ट 7 5-year प्लान्स कवर करते हैं। 1950 से 1990 वाला पीरियड अटेम्प्टेड टू अटेन, अब क्या है कि ये इनका मतलब इनका मेन गोल था कि ये 4 गोल्स को मतलब अटेन करें एंड द एक्सटेंट टू विच दे सक्सीड इन डूइंग सो, यानी कि और वो कितना वो उसको सक्सीड हो गए हम इसमें देखेंगे। सो वाई रेफरेंस, सो हम क्या है एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से और ट्रेड से हम इनका रेफरेंस देते हुए हम स्टडी करेंगे पॉलिसीज और डेवलपमेंटल इशूज़, यानी कि आफ्टर 1991 वो चैप्टर 3 में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि एक एक्टिविटी आई है, वो कह रहे कि अपनी क्लास में डिस्कस करो क्या क्या चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करने में, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, मास कम्युनिकेशन। तो ये कुछ हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं है। फिर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आज़ादी के बाद में सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। हमने देखा था चैप्टर 1 के अंदर में कॉलोनियल पीरियड के इसमें कि क्या है भैया, जो ना ही ग्रोथ हुई ना ही इक्विटी देखने को मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो पॉलिसी मेकर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, अब उनको क्या है वो एड्रेस करना था इस इशू को, जैसे इन्होंने करा लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए, अब यहाँ ने प्रमोट करा जितनी भी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है विच अशर्ड इन अ रिवॉल्यूशन। इनकी वजह से क्या होता है एक रिवॉल्यूशन आता है हमारे इसमें इंडियन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें लैंड रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर क्या है कि एट द टाइम जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे ना, तो जो लैंड टेन्योर सिस्टम था वो कैरेक्टराइज यानी कि जो हमारा लैंड सिस्टम था ना, इसमें इंटरमीडियरीज देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं जमींदार्स और जागीरदार्स हो गए। अब यहाँ पर क्या करते थे ये जमींदार्स और जागीरदार्स, ये रेंट कलेक्ट करते थे जो भी यानी कि टिलर्स होते थे ना जमीन के अंदर में। सपोज़ ये एक ज़मीन है, यहाँ पर टिलर्स यानी कि ये टिल यानी कि खोदने वाले जो होते थे एक तरीके के किसान हो गए। अब इनसे ये क्या करते थे रेंट लेते थे, ये जमींदार्स हो फिर हो गए या फिर जागीरदार्स हो गए। इसके बाद में क्या करते थे ऑफ द सॉइल विदाउट, अब क्या है इन्होंने रेंट तो ले लिया लेकिन यहाँ पर क्या है वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते थे फार्म यानी कि हमारे फार्मिंग सेक्टर में या फिर लैंड में, जिसकी जो लो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो फोर्स करती है इंडिया को ताकि जो है भैया हम इम्पोर्ट कर सके फूड यूनाइटेड स्टेट से। जो इक्विटी इन एग्रीकल्चर, अब क्या है कि एग्रीकल्चर में इक्वलिटी आ जाए इसी को भैया हमने बोला लैंड रिफॉर्म्स, विच प्राइमरीली रेफर यानी कि हम प्राइमरीली रेफर करते हैं कि जो हम चेंज कर देंगे ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स की। अब क्या है कि जस्ट अ ईयर आफ्टर, अब इंडिपेंडेंस के एक साल के बाद में स्टेप्स लिए जाने लगे, अब एबोलिश कर दिया इंटरमीडियरीज। और यहाँ पर क्या है कि जो टिलर्स थे ना उनको ज़मीन का मालिक बना दिया गया। जो आइडिया था इस मतलब इस मूव के पीछे ये था कि जो ओनरशिप थी ना लैंड की वो इंसेंटिवाइज करेगी। इंसेंटिवाइज करने से क्या होगा, जो टिलर्स होगा ना वो सोचेगा कि भैया अब तो ये ज़मीन मेरे पास आ गई, अब मैं इसके पास मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा, इससे प्रॉफिट निकालूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा वो इम्प्रूवमेंट करेगा अपनी सफिशिएंट कैपिटल का जो भी उसके पास है। अब उसके बाद में फिर एक तो था हमारी ये, अब दूसरा इन्होंने लैंड सीलिंग लेकर के आए यानी कि अनदर पॉलिसी थी। इसमें क्या है कि इसमें भी इक्वलिटी को प्रमोट करेंगे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसका मतलब ये क्या फिक्स कर देंगे जो भी हमारी मैक्सिमम साइज़ है लैंड का, विच कुड भी मतलब कोई एक मैक्सिमम कितनी जो है मतलब ओनरशिप रख सकता है एक इंडिविजुअल। जो पर्पस था ना लैंड सीलिंग का वो रिड्यूस करना चाहते थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी कि जो लैंड ओनरशिप क्या है कि वो कुछ ही लोगों के पास में थी, इसको क्या है कि कम करके सब में बराबर के उसमें बांटना चाह रहे थे। अब जो एबोलिशन है ना इंटरमीडियरीज का, इसका मतलब ये था कि जैसे 200 लाख टेनेंट्स भैया इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट के पास में 200 लाख जो है टेनेंट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर दे वर दस फ्रीड, अब यहाँ पर क्या है वो फ्री हो गए जो एक्सप्लोइटेशन करा जा रहा था जमींदार्स के द्वारा। जो ओनरशिप है ना वो ओनरशिप कन्फेयर्ड यानी कि वो ओनरशिप टेनेंट्स को देती है एक राइट देती है, अब क्या है इंसेंटिव मिलता है ताकि वो इंक्रीज कर सके अपना आउटपुट और ये क्या है कॉन्ट्रीब्यूट कर सके एग्रीकल्चर ग्रोथ में। हाउएवर जो गोल था ना इक्विटी का वो फुल्ली सर्व नहीं हो पाया कि जो एबोलिशन करा इंटरमीडियरीज का। सम एरियाज में देखा गया जो फॉर्मर यानी कि जो पहले के जमींदार थे ना वो कंट्री कंटिन्यू करा उन्होंने कि जो भैया वही मालिकाना हक अपनी लार्ज एरियाज पर रख रहे थे मतलब ज़मीन के ऊपर। यहाँ पर क्या कि इन्होंने कुछ लूप होल्स देखे कि इस कानून के अंदर में कुछ लेजिस्लेशंस में लूप होल्स हैं। यहाँ पर क्या कि देर वर केसेज, यहाँ पर केसेज देखने को मिलते हैं जो टेनेंट्स होते हैं
अब यहाँ पर क्या है कि वो क्या करते हैं कि वेयर टेनेंट्स वर एवेक्टेड एंड दी लैंड ओनर्स क्लेम्ड टू बी सेल्फ कल्टिवेटर। अब जो यहाँ पर जो जमींदार थे ना, अब वो भैया खुद ही क्लेम करने लगे कि भैया हम ही टिलर्स हैं, हम ही लैंड कल्टिवेटर है। तो इसके वजह से जो ये बोलने लगे हम एक्चुअल टिलर्स हैं, क्लेम करने लगे ओनरशिप ऑफ दी लैंड, यानी कि उन्होंने इस तरीके से करा। अब इवन जब अब क्या है कि जो टिलर्स को जो है भैया ओनरशिप ऑफ लैंड की मिलती है, जो पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर्स है ना, जैसे कि शेयर क्रॉपर्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स है, अब भैया अब क्या है जो बेनिफिट है इस रिफॉर्म्स का उनके पास तक जाके नहीं पहुंचा। तो जमींदार्स ने क्या करा, इन लूप होल्स का फ़ायदा उठा करके ओनरशिप जो है अपने पास लेने लगे। अब जो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन था, अब यहाँ पर क्या है कि इसमें भी कुछ कमियाँ देखने को मिलती है। जो बड़े लैंड होल्डर्स थे इन्होंने चैलेंज कर दिया, यानी कि जो लेजिस्लेशन लाया गया था अब यहाँ पर ये कोर्ट में लेकर के चले गए कानून को। अब इन्होंने इस तरीके से सोचा कि अगर भैया ये कोर्ट में जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि डीले देखने को मिलेगी प्रोसेसिंग में, इतने में क्या है कि ये कुछ जुगाड़ वुगाड़ कर लेंगे अपना। अब क्या है कि डीलिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, अब ये कोर्ट में पहुँच गया, डीले देखने को मिलता है इम्प्लीमेंटेशन, अब वो इस डीले को यूज़ करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं मतलब लैंड में इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स, कि हम उसके रिश्तेदार हैं, इस तरीके से वो है देयर बाय एस्केपिंग। अब क्या है जो लेजिस्लेशन कह रहा था ना, अब इनसे इन्होंने ये यहाँ से बचने लगे। जो लेजिस्लेशन है अब यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे विच वर एक्सप्लॉयटेड, इसको एक्सप्लॉयट करा गया था बिग लैंड होल्डर्स के द्वारा, ताकि जो है वो अपनी ज़मीन को अपने पास रख सके। लैंड रिफॉर्म्स जो है सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं केरला में, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये जो स्टेट्स थी ना, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी भैया कमिटेड थी इस पॉलिसी ऑफ लैंड को लेकर कि भैया हम जो है टिलर्स को ही ओनरशिप देंगे। अनफॉर्चुनेटली जैसे अदर स्टेट्स हो गई, उनके उन्होंने क्या करा, उनकी सेम लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं थी, और क्या कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, आज भी हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक बॉक्स आता है ओनरशिप और इंसेंटिव के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, जो पॉलिसी ऑफ लैंड ऑफ द टिलर है ये बेस थी कि इस आइडिया पर बेस थी कि जो कल्टीवेटर्स है, अब यहाँ पर क्या है कि वो भैया अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, दे विल हैव मोर, अब वो इंटरेस्ट इसलिए लेगा क्योंकि उसको इंसेंटिव मिलेगा। अब क्या है कि फिर उससे आउटपुट बढ़ेगा, इफ़ दे आर द, अगर वो ओनर्स ऑफ द लैंड यानी कि वो ज़मीन के मालिक बन जाते हैं, दिस इज़ बिकॉज, अब यहाँ पर क्या है जो ओनरशिप होती है ना अगर लैंड की मिल जाती है, वो टिलर्स को मतलब ये प्रॉफिट जो जनरेट होगा आउटपुट से इसको लालच देगी। अब टेनेंट्स डू नॉट हैव द इंसेंटिव, अगर भैया इन टेनेंट्स के पास में अगर इंसेंटिव नहीं है तो देखो क्या हाल होता है, तो वो क्या है कि वो इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे लैंड का। इट इज़ द लैंड ओनर, ये खाली लैंड ओनर यानी कि जो मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, मतलब वो बेनिफिट उठाता है मोर हायर आउटपुट का। जो इम्पोर्टेंस होती है ना ओनरशिप की, अब क्या है इंसेंटिव प्रोवाइड करने में इज़ वेल इलस्ट्रेटेड बाय द केयरलेसनेस, हमको जो केयरलेसनेस है वहाँ से देखने को मिलती है विद विच फार्मर्स, हमको क्या है कि सोवियत यूनियन को देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इन्होंने ना एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे USSR के किसान थे, यहाँ पर क्या है कि इन्होंने क्या करा, जैसे पैकेजिंग करते थे फ्रूट्स की, तो यहाँ पर क्या करते थे, फ्रूट्स जो है दो तरीके के होते थे, एक तो फ्रेश फ्रूट्स होते थे और एक यहाँ पर रपन यानी कि सड़े गले फ्रूट्स होते थे। तो ये क्या करते थे, इनका काम था किसानों का पैकेजिंग करने का, तो इन्होंने क्या करा, जो सड़े हुए फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स इन्होंने एक ही में पैक कर दिए। तो इन सड़े हुए फ्रूट्स ने क्या करा, ये जो फ्रेश फ्रूट्स है इनको भी भैया सड़ा हुआ मतलब सड़ा दिया। तो इसकी वजह से यहाँ देखा गया कि ये जो किसान थे इनका कोई इंसेंटिव नहीं था, जिनकी वजह से क्या है जो प्रोडक्टिविटी यानी कि आउटपुट था भैया बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, इसलिए क्या है हमको इंसेंटिव देना चाहिए। तो जो सोवियत यूनियन का एग्रीकल्चर सेक्टर था वो फेल कर जाता है। अब यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद में आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन देखते हैं हमारा इसके अंदर में। अब क्या है कि इंडिपेंडेंस के टाइम के दौरान में जो 75% कंट्री की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी। अब जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की भैया बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि हम ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे और क्या है कि हमारे पास कमी थी कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स यहाँ पर नहीं थी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था मेजोरिटी फार्मर्स के पास में नहीं था। अब क्या कि जो इंडिया का एग्रीकल्चर था ना वो भैया डिपेंड्स करता था ऑन द मानसून। अब क्या कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मानसून के ऊपर डिपेंड करता था, अगर मानसून भैया नहीं होता है तो फार्मर्स जो है भैया दिक्कत में आ जाते थे। अब यहाँ पर क्या है कि लेकिन उनके पास इरीगेशन की जो फैसिलिटीज़ थी भैया कुछ ही के पास में थी, जो ज़्यादा अमीर किसान थे। अब क्या है कि जो स्टैग्नेशन जो हमको मतलब रुका हुआ देखने को मिलता हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कॉलोनियल रूल में, ये परमानेंटली अब क्या है कि ब्रोकन यानी कि ये बेकार, मतलब इसको हमने हटा दिया क्योंकि जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद में यहाँ पर रेफर्स करा गया कि हमने इंक्रीज़ करा अपना प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स में, हमने यूज़ करा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का स्पेशली, यानी कि हमने वीट एंड राइस का हमने यूज़ करा था, जो यूज़ करा था हमने इन सीड्स का रिक्वायर्ड, इनको क्या है कि एक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी करेक्ट क्वान्टिटीज़ में, यानी कि एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेशन में हमको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स देना था। और क्या है,
हमको क्या है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर भी देनी थी। अब क्या है कि जो एप्लीकेशन आते हैं ना, दीज इनपुट्स इज करेक्ट। अब क्या है कि हमको क्या है कि एक करेक्ट प्रोपोर्शन में ये सब प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो फार्मर्स जिन्होंने बेनिफिट उठाया HYV सीड्स का, उनको भैया चाहिए थी एक रिलायबल यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो और एक क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, यानी कि इरिगेशन के साथ में भैया यहाँ पर क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर ताकि वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को खरीद सके। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन द फर्स्ट फेज यानी कि जो पहला फेज़ चल रहा था ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 1965-66 से लेकर के मिड यानी कि 1975 के आसपास, यानी कि 1965 से लेकर के 75 के टाइम पीरियड जो यूज़ करा गया था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, वो रिस्ट्रिक्ट करा गया था खाली यानी कि कुछ ही स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, तमिलनाडु हो गई। यहाँ पर अब जो यूज़ था HYV सीड्स का प्राइमरीली इन्होंने बेनिफिट देता है यानी कि जो वीट ग्रोइंग रीजन्स होते हैं खाली उसमें। अब क्या है कि जो सेकंड फेज़ चलता है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन का, यानी कि 1975 से लेकर के 1985 वाले टाइम पीरियड में जो HYV यानी कि जो टेक्नोलॉजी स्प्रेड, अब क्या है कि लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स में हमारे पास ये चले जाते हैं सीड्स और बेनिफिट उठाते हैं हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का। जो स्प्रेड देखने को मिलता है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी को, अब इंडिया को क्या ये अचीव करवा देता है सेल्फ सफिशियंसी फूड ग्रेन्स के अंदर में। अब क्या है कि इंडिया जो है भैया अब अमेरिका की मर्सी पर, अमेरिका की दया पर नहीं टिका हुआ था और या फिर किसी और नेशन की, ताकि जो अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को वो पूरी कर सके। अब क्या है कि जो ग्रोथ देखने को मिलती है एग्रीकल्चरल आउटपुट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये इनफ नहीं थी। अगर लार्ज पॉपुलेशन ऑफ दिस इंक्रीज इज, अगर क्या है जो अगर हमने एक तो प्रोडक्टिविटी चलो हमारी यहाँ पर बढ़ गई, अब यहाँ पर क्या है कि अगर प्रोडक्टिविटी को अगर हम कंज्यूम कर ले अपने देश में यानी कि फार्मर्स के द्वारा, अगर हम उसको बाहर ना बेके बाहर की मार्केट में, तो जो हायर आउटपुट आया है ना हमारे पास, अब यहाँ पर क्या है कि हमको ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अपनी इकोनॉमी में अगर पूरे उसमें देखा करें। अब क्या है कि ऑन द अदर एंड अगर जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ यानी कि अगर हमने कुछ अमाउंट एग्रीकल्चर का हमने उसको बेच दिया मार्केट में फार्मर्स के द्वारा, तो जो हायर आउटपुट है ना, अब ये एक डिफरेंस लेकर के आ सकता है हमारी इकोनॉमी के अंदर में। अब क्या है जो पोर्शन है एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अगर वो सोल्ड होता है मार्केट में बाय द फार्मर्स के द्वारा, इसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस, यानी कि हमने प्रोडक्टिविटी करी, अब यहाँ पर क्या है हमने कंज्यूम कर लिया लेकिन कुछ सरप्लस प्रोडक्ट बच जाता है यानी कि, और हमने उसको क्या किया वो सोल्ड आउट कर दिया अपनी मार्केट में, तो इसको बोला जाता है मार्केटेड सरप्लस, यानी कि सरप्लस है और वो हमने मार्केट को सोल्ड आउट कर दिया। अब क्या है कि गुड प्रोपोर्शन ऑफ द राइस यानी कि जो राइस और वीट का प्रोपोर्शन का था जो प्रोड्यूस हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड में, अब वो अवेलेबल था हमारे मार्केटेड सरप्लस में, इसको बेचा जाने लगा फार्मर्स के द्वारा मार्केट के अंदर में। इसकी वजह से क्या होता है जो प्राइस होता है ना फूड ग्रेन्स का भैया धीरे धीरे कम होने लगता है अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन के अगर उससे कंपेयर करा जाए। जो लो इनकम ग्रुप्स है जो वो स्पेंड करते थे लार्ज परसेंटेज यानी कि वो ज़्यादा पैसा खर्च करते थे यानी कि अपना फूड के ऊपर, अब क्या है कि वो बेनिफिट उठाने लगे क्योंकि अब क्या है सस्ते होने लगे वीट एंड राइस अगर रिलेटिव यानी कि दूसरी फसलों से, तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो इनेबल करता है उसने गवर्नमेंट को, ताकि वो प्रोक्योर कर सके सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या है कि सरकार भी अच्छे से मतलब प्रोक्योर करने लगी फूड ग्रेन्स, फिर वो क्या है धीरे धीरे स्टॉक को जमा करने लगी जिसको यूज़ करा जा सकता है कि अगर फूड शॉर्टेज आए उस टाइम के दौरान में। अब क्या है कि वाइल द नेशन, अब क्या है कि हमारा जो देश है उसने बेनिफिट उठाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन से, जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, अब क्या है कि वॉज नॉट, अब टेक्नोलॉजी भैया रिस्क फ्री तो होती नहीं है, इसमें भी कुछ रिस्क देखने को मिलते हैं, तो एक सच रिस्क ये था कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये इंक्रीज कर देगा डिस्पैरिटीज़ यानी कि स्मॉल और बिग फार्मर्स में। अब क्या है कि स्मॉल और बिग फार्मर्स में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जो बड़े फार्मर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं रिक्वायर्ड इनपुट्स है ना। अब क्या है कि ये बेनिफिट्स को हटा सकते हैं जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में करे थे इसको। मोर ओवर जो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स है वर ऑल्सो मोर, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो वैरायटी वाली क्रॉप्स है ना हमने जो सीड्स का यूज़ करा इनके ऊपर क्या है कि पेस्ट अटैक कर सकते हैं, और जो स्मॉल फार्मर्स है जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा, अब क्या है कि वो सारा का सारा अपना खुद एक ही बारी में खो सकते हैं अगर पेस्ट अटैक आए तो। फॉर्चुनेटली क्या है कि ये जो फियर्स थे भैया ये मतलब असली में हो नहीं पाए, बिकॉज क्योंकि जो स्टेप्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो गवर्नमेंट है अब क्या है ये प्रोवाइड करने लगी लोन्स बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पर स्मॉल फार्मर्स को, अब क्या है कि सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने लगी ताकि जो स्मॉल फार्मर्स है ना उनको एक्सेस हो सके जो भी इनको इनपुट्स की ज़रूरत है, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए पेस्टिसाइड्स हो गए। इसलिए अब क्या है कि जो स्मॉल फार्मर्स है अब ऑब्टेन द रिक्वायर, अब इन्होंने धीरे धीरे जो इनपुट्स चाहिए था इन्होंने भैया ये प्रोड्यूस मतलब लेके आने लगे, जो आउटपुट था स्मॉल फार्म्स पर अब इक्वल होने लगा
जो आउटपुट आ रहा था लार्ज फार्म्स इन द कोर्स ऑफ टाइम, अब धीरे धीरे जो स्मॉल फार्मर और जो बिग फार्मर्स है इनका भी आउटपुट अब जो बराबर आने लगा। इसके वजह से क्या होता है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है बेनिफिट करता है स्मॉल को और जो रिच फार्मर्स होता है अब दोनों को बेनिफिट देता है। जो रिस्क था ना कि स्मॉल फार्मर्स जो है भैया बर्बाद हो जाएंगे जब पेस्ट अटैक करेंगे उनकी क्रॉप्स पर, अब यहाँ पर क्या है कि वो कंसिडरेबली यानी कि वो कम हो गया बाय द सर्विसेज, क्योंकि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है वो इस्टेब्लिश हुए गवर्नमेंट के द्वारा। यू शुड नोट दैट, आपको यहाँ पर नोट करना होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना वुड हैव फेवर्ड, इसने क्या है कि वो फेवर कर रहा रिच फार्मर्स को, ओनली इफ़ द स्टेट डिड नॉट, अगर क्या है कि भैया ये खाली स्टेट यानी कि जो रिच फार्मर्स हैं उनको इस मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करती, अगर भैया स्टेट जो है यानी कि जो हमारी सरकार है बीच में ना आती यानी कि एक्सटेंसिवली वो प्रमोट ना करती कि स्मॉल फार्मर्स को भैया उनको भी गेन करना चाहिए इस नई टेक्नोलॉजी से। अब क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन हमेशा ये न्यूज़ में रहता है कि भैया डिबेट आती है सब्सिडीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे अमेरिका हो गया या फिर कुछ दूसरे देश हो गए वो WTO में इंडिया की सब्सिडीज़ को लेकर के हमेशा इंडिया के अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं, तो अब यहाँ पर इसको देखते हैं क्या इशू है। अब क्या है कि जो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है सब्सिडीज़ की एग्रीकल्चर में वो ये है कि एट प्रेजेंट यानी कि हमेशा मतलब होटली डिबेटेड रहती है, इट इज़ जनरली एग्री, यहाँ पर ये भैया एग्री करा जाता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि यूज़ करें हम सब्सिडीज़ को ताकि प्रोवाइड करें एक इंसेंटिव कि वो एडॉप्शन करें नई हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी यानी कि फार्मर्स इन यूज़ करें इन जनरल एंड स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर। अब क्या है कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो देखते हैं कि भैया वो हो सकते कि रिस्की हो फार्मर्स के लिए, अब क्या है कि इसके चक्कर में क्या है कि सब्सिडीज़ यहाँ पर यानी कि वो सब्सिडीज़ देते हैं फार्मर्स को ताकि उनको वो एनकरेज कर सके कि वो टेस्ट करें इस न्यू टेक्नोलॉजी को। अब क्या है कि कुछ इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर एक बार टेक्नोलॉजी ये पता लग जाए कि ये प्रॉफिटेबल है यानी कि और वाइडली अडॉप्ट कर ली गई है, तो उसके बाद में क्या है जो सब्सिडीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना इसको फेज आउट यानी कि सब्सिडीज़ बाद में बंद कर देनी चाहिए जब तक जब उसका पर्पस यानी कि फुलफ़िल हो जाता है। लेकिन यहाँ की जो सब्सिडीज़ है यहाँ पर क्या है कि मीन टू बेनिफिट द फार्मर्स, यहाँ पर क्या है कि फार्मर्स को बेनिफिट दे रहे हैं, यहाँ पर सब्सिडी का ये मतलब हो रहा है यानी कि बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ, अब क्या जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है ना वो बेनिफिट दे रही है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को, अब यहाँ पर क्या है कि किसानों के अलावा अब यहाँ पर इंडस्ट्री भी बेनिफिट उठा रही है सब्सिडी का, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है वो प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं और अमंग फार्मर्स, अब क्या है कि जो सब्सिडी लार्जली बेनिफिट्स द फार्मर्स इन द मोर प्रॉस्पर, अब क्या है कि ये जो सब्सिडी है ना जैसे अब जो रीजन प्रॉस्पर हो चुके हैं जैसे कि हरियाणा पंजाब के, अब वहाँ के किसान क्या है इसका बार बार फ़ायदा उठाए जा रहे हैं क्योंकि अब तो वो अपना आत्मनिर्भर बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आर्ग्यू करा जाता है कि दैट इज देयर इज़ नो केस ऑफ फोर काउंटिंग द, यहाँ पर क्या है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो है भैया इसको बंद करनी चाहिए, इट डज़ नॉट बेनिफिट, अब क्या है कि जो टारगेट ग्रुप है ना ये इसको बेनिफिट नहीं दे रही है और यहाँ पर क्या है कि एक बहुत बड़ा बर्डन जो है गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पर देखने को मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड क्या है कि कुछ बिलीव करते हैं कि जो गवर्नमेंट है भैया उसको कंटिन्यू करनी चाहिए एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को, क्योंकि जो फार्मिंग है ना इंडिया के अंदर में कंटिन्यू एक क्या है वो एक रिस्की बिजनेस है, क्योंकि मोस्ट फार्मर्स क्या है अभी हमारे देश में गरीब है, अब क्या है कि भैया वो ना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही उनके पास इनपुट यानी कि जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हो गए या फिर पेस्टिसाइड्स हो गए इन्हें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, तो बिना सब्सिडी के ये नहीं हो सकता। अगर हमने एलिमिनेट कर दी सब्सिडी ये इंक्रीज़ करेगा इनइक्वालिटी रिच और पुअर फार्मर्स में, ये वॉयलेट करेगा जो हमारा गोल ऑफ इक्वलिटी है इसको। अब ये जो एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि अगर सब्सिडीज़ आर मतलब बेनिफिट उठाई जा रही है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के द्वारा और बिग फार्मर्स के द्वारा, तो जो हमको क्या है कि एक करेक्ट पॉलिसी बनानी चाहिए, ना कि हमको एबॉलिश कर दे सब्सिडी टू, हमको टेक यानी कि स्टेप्स लेने चाहिए वो हम इंश्योर करें कि जो पुअर फार्मर्स है खाली वही इसका बेनिफिट उठाए। बाय द लेट आप क्या कि 1960 के एंड में क्या हुआ, जो इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी भैया वो इंक्रीज हो जाती है बढ़िया तरीके से, मतलब कंट्री को इस लायक बना देती है कि वो सेल्फ सफिशियंट हो जाती है फूड ग्रेन्स के उसमें, अब क्या कि अचीवमेंट है कि हाँ हमको प्राउड करे। अब नेगेटिव साइड की बात करें कुछ 65% जो कंट्री की पॉपुलेशन है भैया वो एम्प्लॉय यानी कि इसके अंदर एग्रीकल्चर में ही है 1990 के टाइम पीरियड के दौरान में। इकोनॉमिस्ट ने इन्होंने यहाँ पर ये फाउंड करा कि अगर नेशन यानी कि किसी देश को प्रॉस्परस होना है तो जो प्रोपोर्शन है GDP का कॉन्ट्रीब्यूटेड यानी कि अगर एग्रीकल्चर में यानी कि GDP के अंदर में एग्रीकल्चर वो कर रही है मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है एज वेल एज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग यानी कि सर्व इन द सेक्टर डिक्लाइंस कंसिडरेबली।
तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इंडिया के अंदर में 1950 और 1990 के बीच में ये देखा गया जो प्रोपोर्शन था जीडीपी का, यानी कि एग्रीकल्चर, वो धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिलता है, लेकिन जो पॉपुलेशन डिपेंडिंग थी ना इसके ऊपर वो बहुत कम देखने को मिलती है। यानी कि 1950 में 67.5% डिपेंड थे, 64% डिपेंड होते हैं 1990 के बीच में। अब क्या कि वाई वॉज सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, अब क्या कि क्यों इतने ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर में एंगेज है, ऑल दो एग्रीकल्चर आउटपुट यानी कि हैव ग्रोथ। अब मतलब जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तो ग्रो करता है, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम नहीं होती है, विद मच लेस पीपल वर्किंग इन द। अब क्या है कि अगर हम कम लोग भी एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करें ना, तो इससे क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को कुछ घाटा होगा नहीं। तो आंसर ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है उसने एब्जॉर्ब नहीं करा जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे। जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं इस चीज़ को कि ये फेलियर्स हैं हमारी पॉलिसीज़ का जो 1950 से लेकर के 1990 तक चलती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स देखते हैं, यहाँ पर प्राइसेस एज सिग्नल्स की बात कर रहा है, कह रहा है कि यू वुड हैव लर्नड इन, अब क्या है कि तुमने इससे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था कि कैसे जो प्राइसेस है गुड्स के वो डिटरमिन करे जाते हैं मार्केट के, उससे ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अंडरस्टैंड करें कैसे प्राइसेस जो है वो सिग्नल्स का काम करते हैं, मतलब किस तरीके से कि गुड्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए। अगर गुड बिकम्स इसके, अगर क्या है किसी भी प्रोडक्ट की अगर कमी देखने को मिलती है जो प्राइस है उसका बढ़ जाएगा, और उसका जो यूज़ करना है यानी कि उस प्रोडक्ट का वो इंसेंटिव देगा, मतलब कि हम एक एफिशिएंट डिसीजन ले उसके यूज़ को उसके प्राइस को देखते हुए। अगर सपोज़ करो जैसे वाटर का प्राइस अगर वो बढ़ जाता है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो पीपल क्या करेंगे, वो इंसेंटिव करेंगे, मतलब पीपल विल हैव द इंसेंटिव। अब क्या है कि वो बहुत ध्यान से पानी का यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल दे मे स्टॉप वाटरिंग। अब क्या है कि वो जैसे कि गार्डन में पानी देना, इसमें क्या है वो कम कर देंगे, कंजर्व करेंगे वाटर को। हम कंप्लेन करते हैं कि जब भी प्राइस जो है पेट्रोल का इंक्रीज़ करता है और हम क्या है गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, लेकिन जो इंक्रीज़ होता है पेट्रोल प्राइस का वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसकी जो है बहुत ज़्यादा कमी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और जो प्राइस बढ़ता है ना वो सिग्नल देता है कि लेस पेट्रोल इज़ अवेलेबल। अब ये प्रोवाइड करता है कि इंसेंटिव यानी कि हम जो है यूज़ करें लेस पेट्रोल, और या फिर हम एक अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ ध्यान दें। अब जो सम इकोनॉमिस्ट है वो पॉइंट आउट करते हैं जो सब्सिडीज़ है डू नॉट अलाउ, अब क्या है कि सब्सिडी क्या करती है जो प्राइसेज है ना वो डू नॉट अलाउ प्राइसेस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ गुड। अब सब्सिडी सरकार तो दे देती है, इसकी वजह से क्या होता है जो सप्लाई होती है हमारे प्रोडक्ट की उसमें क्या है कि उसका प्राइसेस में फ्लक्चुएशन से देखने को कम मिलता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर। अगर हम ये मतलब ये प्रोवाइड कराई जाती है सब्सिडाइज रेट पर, या फिर अगर हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसको लोग बाग बहुत ही वेस्टफुली यूज़ करेंगे बिना किसी कंसर्न के कि ये अवेलेबल है या नहीं है। अब फार्मर्स क्या है कल्टीवेट करेंगे कर रहे हैं, जैसे कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हो गई, अब अगर उनको वाटर सप्लाई कर दिया जाए फ्री में, अब यहाँ पर क्या है कि जो वाटर रिसोर्सेज है ना इन दैट रीजन में भी, अब क्या है कि किसी रीजन में वाटर की रिसोर्सेज बहुत कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस रीजन में जो रिसोर्सेज है ना वो भैया मतलब डिप्लीट यानी कि विलुप्त हो जाए। अगर वाटर इज़ प्राइज्ड टू रिफ्लेक्ट, अगर जैसे पानी जो है रिफ्लेक्ट करता है उसके प्राइस को, तो फार्मर्स क्या करेंगे कल्टीवेट करेंगे क्रॉप्स सुइटेबल टू द रीजन। यानी कि सपोज़ करो यहाँ पर जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, तो यहाँ पर क्या है कि किसान यहाँ पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप का यूज़ नहीं करेंगे, कहीं और जाकर यूज़ करेंगे। इस तरीके से लोगों को समझ में आएगा। अब जैसे फर्टिलाइज़र्स हो गए, पेस्टिसाइड सब्सिडीज़ हो गई, इसकी वजह से क्या हो रहा है हम ओवर यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ये क्या है कि हार्मफुल हो सकती है एनवायरनमेंट के लिए। अब क्या है कि जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है एक इंसेंटिव की वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर क्या है ये बोल रहे हैं कि इसके बारे में सोचो, सब्सिडीज़ के बारे में, उनके इंसेंटिव्स के बारे में अपने आप से पूछो क्या ये सही होगा इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से कि हम प्रोवाइड करें फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स को। अब उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है इंडस्ट्री और ट्रेड आता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो इकोनॉमिस्ट है ना वो फाउंड करते हैं जो पुअर नेशंस है वो प्रोग्रेस ओनली, यानी कि जो गरीब देश है ना वो भैया प्रोग्रेस यानी कि तरक्की तभी कर सकता है अगर उसका अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। तो जो इंडस्ट्री है ना वो प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट। अब क्या है कि जो स्टेबल होती है एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर से, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो है एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, प्रमोट करता है मॉडर्नाइजेशन, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करता है। इट इज़ फॉर दिस इसी रीज़न की वजह से जो हमारे 5-year प्लान्स थे ना भैया बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहिए। यू माइट हैव स्टडीड, अब क्या है कि तुमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि जब हम इंडिपेंडेंस हमको मिली थी जो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज थी भैया बहुत ही कम देखने को मिलती है यहाँ पर लार्जली। अब क्या है कि हमको
कॉटन टेक्सटाइल्स और जो है जूट मिल देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको दो जो है हमको आयरन एंड स्टील फर्म से देखने को मिलते हैं, एक तो जमशेदपुर में मिलती है और दूसरी कोलकाता में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है कि हमको ज़रूरत है कि एक्सपेंड करें अपने इंडस्ट्रियल बेस को विद, हमें वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज होनी चाहिए अगर इकोनॉमी को ग्रो करवाना है तो। अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर देखते हैं इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब क्या है कि दो बिग क्वेश्चन फेसिंग द, अब पहला बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था पॉलिसी मेकर्स के पास में कि क्या रोल देना चाहिए गवर्नमेंट को, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का और मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। अब जब हमको आज़ादी मिली थी जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है ना उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि भैया वो इन्वेस्टमेंट कर सके अपने इंडस्ट्रियल वेंचर में, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है यानी कि अगर जो डेवलपमेंट करना है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब क्या है कि ना ही इतनी बड़ी मार्केट बड़ी थी कि वो एनकरेज करे इंडस्ट्रियलिस्ट को कि वो अंडरटेक, यानी कि वो खुद ही अपनी तरफ से क्या है कि एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करे अगर उनके पास खुद का पैसा है तो। ये इट इज़ यानी कि इन रीजंस की वजह से भैया जो हमारी यानी कि पहले की सरकार थी उन्होंने प्ले करा, यानी कि प्ले करा एक एक्सटेंसिव रोल कि वो प्रमोट कर सके इंडस्ट्रियल सेक्टर को। इन एडिशन जो डिसीजन था कि डेवलप करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन सोशलिस्ट लाइंस पर, अब इसकी वजह से क्या होता है कि हम पॉलिसी लेकर के आते हैं गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी की। अब क्या है कि अब जैसे सेकंड फाइव ईयर प्लान होता है इसे रखता है, इसका मतलब ये होता है कि दिस मीन दैट द जो गवर्नमेंट है ना गवर्नमेंट के पास कंप्लीट कंट्रोल होगा उन इंडस्ट्रीज़ का जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। द पॉलिसीज ऑफ द, अब क्या है जो पॉलिसी थी प्राइवेट सेक्टर की, अब क्या है कि यहाँ पर भी उनको कुछ रोल दिया गया पब्लिक सेक्टर के साथ में मिलके, विद द पब्लिक सेक्टर लीडिंग द वे। अब यहाँ पर क्या है कि अब हमारा सेकंड फाइव ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1956 से, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे था, तो याद रखना IPR पॉलिसी 1956 यहाँ पर लेकर के आई जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि इन अकॉर्डेंस विद दी गोल, अब यहाँ पर क्या है जो हमारा गोल था कि स्टेट कंट्रोल करेगी यानी कि इकोनॉमी को, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है 1956 यहाँ पर अडॉप्ट करा जाता है। ये जो रिजोल्यूशन है ना ये मतलब बेसिस बनाता है सेकंड फाइव ईयर प्लान के। तो IPR 1956 के तहत क्या है कि हमने सेकंड फाइव ईयर प्लान बनाया, जो प्लान ये था कि हम बिल्ड करेंगे बेसिस यानी कि एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाई जाएगी। ये जो रिजोल्यूशन है क्लासिफाई करता है इंडस्ट्री को तीन कैटेगरीज़ में। पहली कैटेगरी तो वो हो गई यानी कि ये वो इंडस्ट्रीज़ होगी जिसमें एक्सक्लूसिवली यानी कि सबसे पहले क्या है कि जो मालिक होगी वो गवर्नमेंट होगी। सेकेंड कैटेगरी में भैया यानी ऐसे करते हैं कि 1, 2, 3 यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले गवर्नमेंट इसको ओन करेगी, पार्टनर यानी कि मालिकाना गवर्नमेंट को मिल रहेगा। सेकंड इंडस्ट्री में कंसिस्ट यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ रखी गई, इसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर होगा सप्लीमेंट विद दी एफर्ट्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे यानी कि जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है ना यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको कुछ हेल्प मिलेगी पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट जो है खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो स्टार्ट करेंगे नई यूनिट्स। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी थी ना यहाँ पर जो बची हुई इंडस्ट्री थी, अब यहाँ पर क्या है कि वो प्राइवेट सेक्टर के लिए वो यहाँ पर रख दी गई। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने एक कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बनाई जो मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास थी। अब यहाँ पर क्या है ये जो सेक्टर था इसको रखा गया स्टेट कंट्रोल के अंदर में। अब यहाँ पर क्या है वो कैसे, यहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम की बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लाइसेंस आ जाता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यानी कि कोई भी इंडस्ट्री भैया अलाउ नहीं करी जाएगी, मतलब नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड, अब कोई भी नई इंडस्ट्री अलाउ नहीं कराई जाएगी जब तक कि एक लाइसेंस वो ऑब्टेन ना कर ले सरकार से। ये जो पॉलिसी थी इसको यूज़ करा गया था कि हम प्रमोट करेंगे इंडस्ट्री को बैकवर्ड रीजन्स में। ये बहुत इट वाज ईजर, ये बहुत आसान हो गया था कि हम करें और लाइसेंस ले सकते हैं अगर इंडस्ट्रियल यूनिट हमको इस्टेब्लिश करनी है अगर किसी बैकवर्ड एरिया में। इन एडिशन अब क्या कि ये ऐसी जो यूनिट्स है अब क्या है कि इनको कुछ कंसेशन से दिए जाएंगे जैसे टैक्स बेनिफिट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया या लोअर टैरिफ पर। अब जो पर्पज़ था ना इस पॉलिसी का इसका था कि रीजनल इक्वलिटी की बात करनी थी। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखा गया कि जैसे अभी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री यानी कि अभी देश के अंदर कुछ भी इंडस्ट्री प्रेजेंट है, अब क्या है कि अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है ना तो भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर डाइवर्सिफाइंग करना है उसको प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोड्यूस करना है नए वैरायटी ऑफ गुड्स, दिस वॉज मीन ये भैया इसलिए था कि ताकि इंश्योर कर सके कि जो भी क्वान्टिटी यानी कि गुड्स की प्रोड्यूस हो रही है भैया वो इकोनॉमी यानी कि जो भी सप्लाई और डिमांड हमेशा मैच रहे, इस वजह से इन्होंने ये बोला था। अब जो लाइसेंस चाहिएगा अगर आपको एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन वॉज गिवन ओनली तभी दिया जाएगा अगर गवर्नमेंट कन्वेंस हो जाती है कि हाँ भैया इकोनॉमी को जरूरत है लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स की। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करते हैं, 1955 में क्या होता है जो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना ये कमेटी बनाई जाती है यानी कि जिसका नाम होता है कार्वे कमेटी।
तो यहाँ पर दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट कमेटी है, इसको याद रखना। तो 1955 में जो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी है, जिसको बोला जाता है कार्वे कमेटी, अब यहाँ पर क्या है कि वो नोटेड द पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर वो देखते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है यूज़ करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ताकि हम प्रमोट कर सके रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये छोटी छोटी जो उद्यम है यहाँ पर क्या है, जो गांव वाले एरियाज़ है, रूरल डेवलपमेंट में अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो डेवलपमेंट होगा। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, वो डिफाइन करा जाता है कि रेफरेंस दिया जाता है जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अलाउ करी गई है एसेट्स, यानी कि एक यूनिट के अंदर में। अब क्या है कि वो चेंज हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1925 में भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो यूनिट हुआ करती थी जो इन्वेस्टमेंट करती थी मैक्सिमम 5 लाख रुपए। अब क्या है कि जो प्रेजेंट टाइम में अब देखेंगे हम कि स्मॉल मीडियम साइज, जो हमारा MSME सेक्टर है, इसमें डेफिनेशन चेंज होती रहती है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट करनी है 5 करोड़, 50 करोड़ हो गई और 250 करोड़, अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो हम यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं। उस टाइम पर क्या था कि 5 लाख रुपये स्मॉल इंडस्ट्री को डिवाइड कर रखा था। अब यहाँ पर बिलीव ये था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, ये एक तो लेबर इंटेंसिव होती है, तो ये क्या करेगी, ये बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ करेगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, वो बहुत कम लेबर का यूज़ करती है। अब इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, अब यह क्या है कि कम्पीट नहीं कर पाई बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म्स के साथ में। ये रीज़न ये था कि जो डेवलपमेंट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का, उनको चाहिए, उनको बचाना होगा लार्ज फर्म्स से फॉर दिस पर्पज़। अब क्या है, जो प्रोडक्शन था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का, अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट्स यानी कि बनाने थे ना, वो इन छोटी इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर रिजर्व कर दिए गए। तो यहाँ पर क्या है, सरकार ने करा भैया, अगर हमको इनको बचाना था प्रोडक्ट को, क्या है, रिजर्व कर दो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। अब क्या है, क्राइटेरिया बनाया गया रिजर्वेशन का, एबिलिटी है टू दीज यूनिट्स टू, यानी कि यही बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है कि इनको जो है कंसेशन से दिया गया, जैसे लोअर एक्साइज ड्यूटी करी गई, बैंक लोन्स प्रोवाइड करे लोअर इंटरेस्ट रेट में, ताकि एक इंसेंटिव के रूप में इंडस्ट्री डेवलप करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होए। फिर उसके बाद में ट्रेड पॉलिसी देखते हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के बारे में, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट करी थी, ये रिलेट हमारी रिलेटेड है ट्रेड पॉलिसी से। इन द फर्स्ट, यानी कि शुरुआती जो 7 साल थे ना ट्रेड वॉज, अब यहाँ पर जो व्यापार होता था वो कैरेक्टराइज होता था, जिसको हम कॉमनली बोलते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि टेक्निकली इसको बोला जाता था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि हमको क्या है, जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, हम इम्पोर्ट ना करके वो अपने इंडिया के अंदर में ही प्रोड्यूस कर ले, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो। इस पॉलिसी का एम था कि रिप्लेस कर देंगे वही कि जो हमने सब्सटीट्यूट करना है इम्पोर्ट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग व्हीकल, यानी कि हम क्या है, व्हीकल्स को इम्पोर्ट ना करें जो फॉरन में बनाए गए हैं, बल्कि अपनी इंडियन इंडस्ट्री को इनक्रेज करे कि वो प्रोड्यूस करे इंडिया के अंदर में। इन इस पॉलिसी के अंदर में गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करती थी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से। अब क्या है कि जो प्रोटेक्शन दी जाती थी इंपोर्ट से, अब यहाँ पर इसने दो तरीके के ले लिए, दो तरीके से दी जाती थी। एक तो सबसे पहले दिया लगाया जाता था टैरिफ और एक कोटा। तो यहाँ पर क्या है कि टैरिफ तो वो होता है कि यानी कि जो भी हमने बाहर से इम्पोर्ट कराना ना, इस पर हमने टैक्स लगा दी कि 5% हो गया, 10% हो गया। तो इससे क्या होता था, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स होता था वो महंगा हो जाता था, इसकी वजह से क्या है कि हम इम्पोर्ट नहीं करते थे। और कोटा में ये होता है कि हमने बता दिया गवर्नमेंट को कि भैया आप क्या है कि 1 लाख टन इतना ही इम्पोर्ट, यानी कि एक लिमिट लगा दी कि आप क्या इतना ही इम्पोर्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते, तो ये कोटा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारी पॉलिसीज़ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। अब जो अचीवमेंट्स थी इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर की, जो फर्स्ट 7 साल थे स्टार्टिंग है, वो भैया बहुत ही इंप्रेसिव देखने को मिलते हैं। जो प्रोपोर्शन था जीडीपी का, जिसने कंट्रीब्यूट करा था इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है, यानी कि 13% थी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950-51 से, फिर 24% हो जाती है 90-91 तक। अब क्या आएगी, हमको राइज देखने को मिलता है इंडस्ट्री के शेयर, यानी कि जीडीपी बढ़ती हुई देखने को मिलती है, एक ये अलग दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। अब जो 6% एनुअल ग्रोथ रेट से इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड के दौरान में, नो लॉन्गर वॉज इंडियन, अब क्या है कि इस टाइम के दौरान में कोई भी जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री थी ना, अब मतलब रिस्ट्रिक्टेड है कि खाली कॉटन टेक्सटाइल या फिर जूट है। इनफैक्ट जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर भैया डाइवर्सिफाई हो गई थी 1990 का टाइम पीरियड के आते आते, यहाँ पर देखा गया ड्यू टू पब्लिक सेक्टर की वजह से। अब यहाँ पर क्या था, जो प्रमोशन हुई थी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई कि टू दोज पीपल, यानी कि उन लोगों को हु डिड नॉट हैव द, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं है वो स्टार्ट कर सके लार्ज फर्म से, ताकि वो बिजनेस में एंगेज हो सके।
प्रोटेक्शन दी गई थी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से, इसने उन्हें क्या करा, डेवलपमेंट हुई इंडिजीनस इंडस्ट्रीज़, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गई, यानी कि अगर ऐसा ना करती सरकार तो भैया ये सब चीज़ें क्या डेवलप नहीं हो पाती। इन स्पाइट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर, इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बाद भी जो ग्रोथ थी इंडियन इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमिस्ट जो है भैया क्रिटिसाइज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ दी मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। ये प्रपोज करते हैं कि एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, ये प्रपोज करा गया था कि एट द बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि जो इनिशियल पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड, यानी कि पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत है बहुत बड़े स्केल पर, इट इज़ नाउ वाइडली, अब यहाँ पर क्या है कि अब कहा जाता है कि स्टेट एंटरप्राइजेस जो है कंटिन्यूड होनी चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सर्टेन गुड्स, यानी कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफन, बल्कि वो क्या है वो मोनोपोली बना ले, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है उनकी मोनोपोली होनी चाहिए। ऑल्दो दिस वॉज नो लॉन्गर रिकॉर्ड, अब क्या है कि आज की डेट में ये सब जरूरत नहीं है। एन एग्जाम्पल ये है कि जो जैसे कि टेली कम्युनिकेशन सर्विस हो गई है दिस इंडस्ट्री, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ना वो रिजर्व रखी गई है पब्लिक सेक्टर के लिए, इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज, इसके बाद में ये रियलाइज करा गया कि जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स है वो ये टेलीकॉम सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकती है ड्यू टू द एब्सेंस, अब यहाँ पर क्या है कि कॉम्पिटिशन की कमी देखने को मिलती है 1990 के टाइम पीरियड के दौरान भी, अब क्या है कि वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब क्या है कि बहुत लोगों को वेट करना पड़ता था कि अगर उन्हें टेलीफोन कनेक्शन लेना, अनदर इंस्टेंस कुड बी द, अब क्या है कि जैसे बाद में देखा कि मॉडर्न ब्रेड बनाई गई, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स बनाई गई, एज इफ द अगर प्राइवेट सेक्टर कुड क्या ये ब्रेड वगैरह क्या ये मैन्युफैक्चर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता, तो इन 2001 में क्या होता है जो ये जो फर्म थी ये बेच दी गई, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई। द पॉइंट इज दैट पॉइंट यहाँ पर यह कि यानी कि आफ्टर 4 decades 40 सालों के बाद में जो प्लान डेवलपमेंट हुआ इंडियन इकोनॉमी का, नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड बिटवीन, यानी कि वॉट द पब्लिक सेक्टर अलोन, यानी कि क्या पब्लिक सेक्टर अलोन अकेला बना सकता है, क्या प्राइवेट सेक्टर जो अकेला कुछ कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल इवन नाउ ओनली विद द पब्लिक सेक्टर सप्लाई, अब यहाँ पर क्या है कि आज की डेट में भी जो हमारा पब्लिक सेक्टर है ना वही नेशनल डिफेंस के प्रोडक्ट्स को वो प्रोवाइड करवाता है, एंड इवन दो जो अब क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना भैया वो मैनेज कर रहा है होटल्स को बहुत अच्छे तरीके से, गवर्नमेंट ऑल्सो भैया गवर्नमेंट भी क्या है कि होटल्स को चला रही है, इसकी वजह से देखने को मिला है सम स्कॉलर्स भैया आर्ग्यू करते हैं जो स्टेट को जो है भैया इन सब एरिया से निकलना चाहिए जहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो मैनेज कर सकता है, और गवर्नमेंट को क्या है कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने रिसोर्सेज पर, इंपॉर्टेंट सर्विसेज पर जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब क्या है कि जो बहुत सी पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं उनमें देखने को मिलता है वो लॉसेज देखने को मिलते, इतने लॉसेज होने के बाद में भी ये क्या है कि जो सरकार है मतलब इसको चला रही है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल होगा कि क्लोज करना गवर्नमेंट यानी कि कोई भी PSU है, अगर वो इवन इफ़ इट इज़ अ ड्रेन ऑफ द नेशन, अब अगर चाहे वो नेशन को यानी कि जो हमारी रिसोर्सेज है ना उसको भी अगर खाली कर दे, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो हमेशा जो है प्रॉफिटेबल होती है, यानी कि क्वाइट इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स वर ओरिजिनली प्राइवेट, अब क्या है कि जैसे कुछ अब सरकारी कंपनीज है ना इससे पहले क्या है वो प्राइवेट फर्म्स हुआ करती थी, बाद में लॉसेज होने की वजह से क्या है कि सरकार ने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सरकार ने नेशनलाइज कर दिया ताकि वो जॉब्स को प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स की, अब क्या है कि जो लॉस मेकिंग प्राइवेट फर्म है वो कभी ऐसा नहीं होता कि वो वेस्ट रिसोर्सेज है बाई की बींग कैप्ट रनिंग डिस्पाइट द लॉसेज, अब यहाँ पर क्या है कि जरूरत है कि ऑप्टेन करे लाइसेंस, अब क्या है कि द नीड टू ऑप्टेन अ लाइसेंस, अब क्या है कि जैसे यहाँ पर लाइसेंस सिस्टम के बारे में बता रहे कि अगर कोई भी इंडस्ट्री को आपको यूज़ बनाना है तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसको क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा गया बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा, जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या है कि वो लाइसेंस ले लेते थे नॉट फॉर, अब क्या है कि नया फर्म स्टार्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो रोक सके अपने कॉम्पिटिटर्स को ताकि वो जो है नई फर्म्स को मतलब स्टार्ट ना कर सके। अब जो एक्सेसिव रेगुलेशन था यानी कि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन था जिसको हम कहते हैं कि परमिट लाइसेंस राज, ये रोकता था मतलब सर्टेन फर्म्स को मतलब ताकि वो भैया एफिशिएंसी को रोकता था, इस लाइसेंस की वजह से जो हमारे प्राइवेट फर्म्स हैं ना उनकी एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, मोर टाइम वॉज स्पेंड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, अब क्या है कि ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करा जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ताकि वो लाइसेंस ले सके, लाइसेंस और लॉबी मतलब किसी मिनिस्ट्री के साथ में, रैदर देन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव, अब क्या है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना
वो खाली लाइसेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान देते थे, ना कि ये देखते थे कि हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके। जो प्रोटेक्शन थी फ्रॉम फॉरेन, क्योंकि यहाँ पर क्या कि एक तो इनको ये मिल रहा था, प्रोटेक्शन मिल रखी थी, वो ये सोच रहे थे कि हम प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, क्वालिटी इम्प्रूव करें ना करें, हमारे पास मार्केट तो है ही। अब क्या है, वो चाहे हम कि गंदी क्वालिटी में भी बनाकर बेच दे, वो हमारा प्रोडक्ट तो बिकना है ही। अब क्या है कि इस प्रोटेक्शन को देखते हुए अब कुछ इकोनॉमिस्ट भैया वो ये कहते हैं कि हमको जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्रोड्यूसर को फॉरेन कंपटीशन से, एज लॉन्ग एज द रिच नेशंस कंटिन्यू, जैसे ही बड़े अमीर नेशंस ने करा था। ओइंग टू ऑल दिस इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ही इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अब क्या है, हमको चेंज लाना चाहिए अपनी पॉलिसी के अंदर में, दिस अलॉन्ग विद अदर प्रॉब्लम हम लेकिन ये क्या है, अपने साथ में कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के आता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करता है नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। अब कंक्लूजन देखते हैं, जो प्रोग्रेस हुई इंडियन इकोनॉमी की स्टार्टिंग के पहले 7-5 ईयर्स में भैया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है, हमारी इंडस्ट्रीज़ मतलब डाइवर्सिफाई हो जाती है कंपेयर करा जाए उसकी सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में। इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाती है फूड प्रोडक्शन में, हमको थैंक्स करना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, लैंड रिफॉर्म्स भैया एडॉप्ट, जो लैंड रिफॉर्म्स से क्या देखने को मिलता है, एवोल्यूशन देखने को मिलता है ज़मींदारी सिस्टम को। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है कि बड़े इकोनॉमिस्ट भैया डिससेटिस्फाइड होते हैं कि परफॉर्मेंस, यानी कि जो बड़े पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जो एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, अब क्या है कि ज़्यादा गवर्नमेंट का रेगुलेशन भैया रोकता है ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप की, इस नेम में कि भैया हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे। जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रोटेक्ट करा जा रहा था फॉरेन कंपटीशन से, एंड दिस डिड नॉट गिव देम, अब क्या कि इसके वजह से क्या कि उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा था ताकि जो इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ गुड्स की जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिसी जो थी इनवर्ड ओरिएंटेड थी, यानी कि दैट फेलियर, अगर दैट फेल्ड टू स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, जिसकी वजह से क्या है कि हम थोड़ा एक्सपोर्ट कर पाए, जो नीड थी हमको रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब क्या है, बाद में हमको देखा गया कि भैया एक इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है जब हमारा जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक चेंज होती जा रही है ये सिनेरियो, और जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इनिशिएट करी जाती है 1991 में, ताकि जो है भैया इंडियन इकोनॉमी को हम मोर एफिशिएंट बना सके। ये इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसकी समरी देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। तो इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया मतलब बात करता है कि इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि जो कंबाइंस करता है बेस्ट फीचर्स ऑफ सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के। अब यहाँ पर क्या है कि इससे निकल के आता है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन थे कि सोशलिज्म की तरफ जाए या कैपिटलिज्म की जाए, तो यहाँ पर इन्होंने मिक्स करके दोनों का मिक्स्ड सिस्टम बना दिया। जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी ना वो प्लान करी जाती 5-ईयर प्लान्स के द्वारा। जो कॉमन गोल था 5-ईयर प्लान्स का ये था कि ग्रोथ करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है, सेल्फ सफिशिएंसी और इक्विटी लेकर के आनी है। जो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में वो थे जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए, ग्रीन रिवॉल्यूशंस लेकर के आए, ये जो इनिशिएटिव्स है ना हेल्प करते हैं इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनने में फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन में। अब क्या है, जो प्रोपोर्शन था पीपल का डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, अब यहाँ पर क्या है कि वो इतना डिक्लाइन नहीं करा जितना हम सोच रहे थे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी इनिशिएटिव इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स, अब क्या है कि जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी थी ना कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे ही प्रोडक्ट को बनाएंगे, इसकी वजह से क्या होता है जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ता है, इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है जीडीपी में। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक, एक मेजर ड्रॉबैक ये रहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कि इनएफिशिएंट फंक्शनिंग देखने को मिलती है पब्लिक सेक्टर में, क्योंकि उसमें वो क्या है कि लॉसेज उसमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नेशंस की लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि जो वेल्थ थी वो ड्रेन आउट देखने को मिलती है। सो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स 11th क्लास एनसीईआरटी का। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू गाइज़।